हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे आईआईटी जैम 2025 में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। ठीक है, तो ये जो डाउट है ये अक्सर हमारे स्टूडेंट्स के मन में उठा रहता है। बेसिकली वो जो आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये मन में डाउट आता है कि यार मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आईआईटी जैम 2025 में जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो वैरी करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। जैसे आईआईटी दिल्ली की एक अलग रिक्वायरमेंट होगी, वहीं पर अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो उनकी एक अलग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरीके से अगर मैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, अगर मैं इन इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ तो इन सभी के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। वो यानी कि वो डिपेंड कर रहा है आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर, आपकी आईआईटीज के ऊपर, क्या वो आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सभी को अब हम यहाँ पे समझते हैं कि आईआईटी दिल्ली की मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है या आईआईटी बॉम्बे की क्या है। तो हम इनको देखते हैं और ये आप कैसे पता लगा सकते हो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहें। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हम लोगों को जो आईआईटी जैम 2025 है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो ये है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भी गूगल प्ले, जो भी आपका गूगल का ब्राउज़र है या क्रोम ब्राउज़र है या मोजिला, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें जस्ट आपको आईआईटी जैम 2025 लिख देना है। लिखने के बाद जब आप एंटर करोगे तो पहला लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स जैम 2025। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो होम है, अबाउट है, यहाँ पे एग्जामिनेशन से हाउ टू अप्लाई है, इंपॉर्टेंट डेट्स है और यहाँ पे एडमिशन। अब एडमिशन के कॉलम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आप देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अब आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास है ये आपका डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। जैसे यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट इंस्टीट्यूट नेम, आप किस इंस्टीट्यूट में देखना चाहते हैं। तो सपोज करो मैं चाहता हूँ आईआईटी दिल्ली में देखना, तो मैंने आईआईटी दिल्ली को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद किस सब्जेक्ट में देखना चाहता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे फिजिक्स में, तो मैंने फिजिक्स को सिलेक्ट कर लिया। और देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यूज MEQ यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो मैंने यहाँ पे जब इसको क्लिक करा तो इस टाइप का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ, तो ये रहा आपका ये मेरे ख्याल से आईआईटी बॉम्बे का ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का ओपन करता हूँ और फिजिक्स डिपार्टमेंट को हम क्लिक करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर आपके सामने आईआईटी दिल्ली का ओपन हो गया है। तो ये हमारे पास आईआईटी दिल्ली का ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट नेम आपका आईआईटी दिल्ली है, एकेडमिक जो प्रोग्राम है वो है आपका एमएससी इन फिजिक्स, और ये आपका जैम का टेस्ट पेपर कोड है PH। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास है एसेंशियल सब्जेक्ट्स इन बैचलर डिग्रीज अलॉन्ग विथ मिनिमम ड्यूरेशन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन लेना है एमएससी फिजिक्स में तो आपके पास ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब क्या है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बीएससी या बीएस डिग्री ऑनर हो, ठीक है, तो एटलीस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर और 4 सेमेस्टर। क्या होता है ना, बीएससी हमारा एक 3 डिग्री कोर्स है, 3 ईयर डिग्री कोर्स, जिसमें हमारे 6 सेमेस्टर होते हैं। तो उनमें कम से कम आपने 2 साल फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए, यानी कि 4 सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स होना चाहिए अगर आप आईआईटी दिल्ली में एमएससी फिजिक्स में एडमिशन चाहते हो। तो जो हमारी 3 साल की बीएससी होती है इसमें एटलीस्ट आपको 2 साल तो आपने फिजिक्स पढ़ी होनी चाहिए, अगर सेमेस्टर की बात करूं तो 4 साल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी डिग्री फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स 4 सेमेस्टर। और आपको पता है कि जब बीएससी होता है इसमें हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर हम ऑनर्स की बात नहीं करते तो बीएससी जो जनरल बीएससी होती है जिसमें आपके पास 2-3 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें एक मैथ सब्जेक्ट भी होता है। तो अगर आपको आईआईटी दिल्ली एमएससी फिजिक्स में एडमिशन लेना है तो आपके पास मैथमेटिक्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, यानी कि कम से कम 1 साल आपने मैथमेटिक्स यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए, यानी कि 2 सेमेस्टर में। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपको आईआईटी दिल्ली एमएससी फिजिक्स में एडमिशन चाहिए
तो 2 साल आपका फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, ये आपकी एसेंशियल कंडीशन है। वहीं पर जो आपका आपका मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, वो आपने 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी सीटें हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं, ये हमारा आईआईटी बॉम्बे, और अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे काम का जो है वो है हमारे पास एमएससी इन फिजिक्स लास्ट वाला, तो आईआईटी बॉम्बे एमएससी इन फिजिक्स। तो यहाँ पर भी वही रिक्वायरमेंट है जो हमारी इस लास्ट वाले में थे कि बीएससी और बीएस डिग्री विद फिजिक्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, 4 सेमेस्टर आपका फिजिक्स होना चाहिए और 2 सेमेस्टर यानी कि 1 ईयर आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आईआईटी बॉम्बे में। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोई भी आईआईटी जैसे आईआईटी गुवाहाटी उठा लेते हैं, और आईआईटी गुवाहाटी की अगर बात करते हैं, तो आईआईटी गुवाहाटी में भी आप देख सकते हैं कि एमएससी इन फिजिक्स ये हमारी इसकी मिनिमम क्या बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि आपके पास अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है एमएससी इन फिजिक्स में, तो इतना मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपका होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप किसी भी आईआईटी में जाके इसको सर्च कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वहीं पर अब मैं आपसे कुछ जरूरी बातें भी करना चाहता हूँ, है ना। तो जैसे आप देख सकते हैं, तो दोस्तों अब अगर मान लीजिए आपका मन बन चुका है आईआईटी जैम में एडमिशन लेने का, सपोज करो आपको आईआईटी जैम या सीयूटी पीजी में एडमिशन लेना है, तो हम लोग आपके लिए यहाँ पे रक्षाबंधन डे एक स्पेशल ऑफर लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं एमएससी एंट्रेंस रिकॉर्डेड कोर्स ये आपको मिल रहा है 2333 में, यानी कि 2999 रुपीज़ में, यानी कि जो रिकॉर्डेड कोर्स है एमएससी का, अगर आप एमएससी में एडमिशन चाहते हो तो ये है आपके पास। वहीं पर आईआईटी जैम गेट बी में ये आपका 4000 रुपये का है। बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है 20 अगस्त से, आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं, आप हमारा कोड इंडिया का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा जो आईआईटी जैम का लाइव बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा सीयूटी पीजी का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है, और इस लाइव बैच का जो प्राइस है वो आपको कितने का मिल रहा है, 3999, यानी कि 4000 रुपये में ये बैच आपका हो जाएगा, और आप हमारा कोड इंडिया का यूज़ कर सकते हैं। तो आज ही जाइए और जाके इसमें एनरोल कीजिए, ठीक है दोस्तों। बाय।